आज मलेरकोटला में स्थानीय धुरी रोड स्थित एसएसपी मलेरकोटला के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में अमरगढ़ और अहमदगढ़ के दलित समुदाय के लोग पुलिस की ज्यादतियों के विरोध में और पुलिस की वरीकियाओं को रोकने के लिए एकत्र हुए और इंसाफ लेने के मकसद से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के बैनर के नीचे न्याय की गुहार लगाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अहमदगढ़ थाना के गांव रोड़ीवाला निवासी चरण कौर, अमरगढ़ के धूरी रोड निवासी संदीप सिंह की पत्नी परमिंदा कौर और छतरीवाला निवासी बलजीत सिंह के मामले में पूरी कार्रवाई नहीं की गई। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जगशी सिंह घनौर ने कहा कि अमरगढ़ का एक सिपाही बलजीत सिंह को लगातार धमकी दे रहा है और उसके ऊपर समझौता करने के लिए दबाव बना रह जा रहा है, जबकि बलजीत सिंह के ऊपर हुए हमले में बलजीत सिंह की लात टूट गई थी। सर जो बाहर धरनाकारी बैठे ने हुने एसएसपी मैडम नाल मीटिंग करके गए ने, उन्होंने शायद कोई भरोसा दवाया, तुसी भी विच शामिल सीगे जी, की गलबात हुई अंदर? हाँ जी, अज इत्थे धरने दे विच जिहड़ा एक धरना लग्गिया होया थाणा अमरगढ़ दा मसला है, ते नाल ही एक अहमदगढ़ थाने दा भी मसला है, ते उह तिन्नों ही मसले लैके अज इत्थों दे जिहड़े धरनाकारी ने उन्होंने एसएसपी साहब दे ऑफिस दे बाहर मेन रोड दे इक साइड ते धरना लगाया होया, तां जिन्हां नूं धरने तों बाद मैं ड्यूटी लगन ते इत्थे मानयोग एसएसपी साहब नूं मिलाया। एसएसपी साहब ने उन्हां नूं आश्वासन दिता कि तुसीं अपना जो भी तुहाडे मसले हैगे ने तुसीं सानूं इक रिटन दे विच कंप्लेंट दिओ, असीं वधिया ऑफिसर दी ड्यूटी लगा के तुहाडा जल्दी तुहाडा निपटारा करांगे। ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ? ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਥਾਣਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।